अजमेर में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। जयपुर से 22,000 डोज की एक खेप जयपुर से पुलिस सुरक्षा के बीच अजमेर के सीएमएचओ ऑफिस पहुंची, जिसे लेकर सभी उत्साहित नजर आए। सीएमएचओ ऑफिस में वैक्सीन की खेप पहुंचने के साथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में सीएमएचओ ऑफिस में बनाए गए कोल्ड स्टोरेज में कोविड-19 वैक्सीन को रखा गया। अजमेर सीएमएचओ के सोनी ने बताया कि पहले चरण में हेल्थ वर्कर को यह दवा लगाई जाएगी और 11,000 हेल्थ वर्कर्स इस दवा का लाभ ले पाएंगे। इसे लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं अलग अलग स्तर पर पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और चिकित्सा मंत्री इस महामारी को लेकर संवेदनशील है और पल पल की अपडेट ले रहे हैं, वही सभी को यह वैक्सीन लगे इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही। क्या आप देख रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी है। वर्तमान के अंदर अजमेर जिले को 22,000 जो वैक्सीन मिली है वो इसमें स्टोर आराम से हो सकती है, उससे ज़्यादा भी आएंगी तो हमारे पास WIC है जिसके अंदर हम काफ़ी मात्रा के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। ये जो 22,000 डोजेज हैं इसमें से हम 11,000 की लाभार्थियों को इस समय दे पाएंगे, 11,000 हम रिजर्व रखेंगे सेकेंड डोज के लिए। तो जो फर्स्ट डोज लगेगी उसी को रिपीट करना सेकेंड डोज के लिए, और ये निरंतर आपूर्ति होती रहेगी। ये नहीं कि इतनी आके इतनी शुरू हो गई है फिर वापस स्टेट से जब भी हमारी डिमांड जाएंगी वहाँ से फिर को और वैक्सीन इशू होती रहेंगी और ये वैक्सीन की प्रक्रिया चलती रहेगी। वर्तमान में हम जो 16 तारीख से 31 तारीख तक जो साइट्स हैं वो हमारी 7 साइट्स रहेंगी, जो हमारे को राज्य सरकार निर्देश है उसके पालना में, और ये 7 साइट्स मेडिकल कॉलेज, जनाना सेटेलाइट, DH केकड़ी, DH ब्यावर, SDS किशनगढ़, मित्तल हॉस्पिटल, ये 7 साइट्स पर हमारा टीकाकरण कार्य किया जाएगा। करीब 23,000 लोगों को वैक्सीन लगने, लेकिन पहले खेप गया है, क्या तो आगे किस तरीके से? नहीं, मैंने अभी बोला आ जाइए, जैसे जैसे सप्लाई होती रहेगी निरंतर आती रहेगी। गाड़ियाँ हमारे पास है, जयपुर पास में ही पड़ता है, और जैसे जैसे डिमांड की जरूरत पड़ती रहेगी गाड़ियाँ जाती रहेंगी, वैक्सीन आती रहेंगी। ये एक सतत, ये पल्स पोलियो जैसे एक दिन का नहीं है, ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा, ये लंबा प्रोग्राम चलने का है। वीक में 4 दिन टीकाकरण होना है, डेली नहीं होना है। तो वैक्सीन की ऐसी एफिकेसी वो जो आवश्यक वो ऐसी चीज़ नहीं है, वैक्सीन हम निरंतर आती रहेगी। प्रोसेस क्या रहेगा सर, अगर बात करें वैक्सीन लगाने का? जो इसका प्रोसेस ये है कि जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हीं को लगेगी। अभी जो हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो पहले उन्हीं को लगेगी, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको नहीं लगेगी। सेकेंड फेज के अंदर हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स वो आएंगे, फिर हमारे 50+ जो जनरल पब्लिक के अंदर है वो लोग आएंगे, उनको भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एक टैम्पलेट आता है कोविन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके माध्यम से ये वैक्सीन लगेगी। यहाँ पर कौन सी कंपनी की वैक्सीन आई है अभी? हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट वाली आई है।